नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। खुर्रई, मध्य प्रदेश में संचालित इमरजेंसी सेवा 108 अब पहले से ज्यादा हाईटेक हो गई है। सड़कों पर सुविधाजनक 108 नए वाहन उतारने के बाद अब आपके मोबाइल फोन पर भी 108 सिटीजन ऐप के माध्यम से अपनी सेवाओं का विस्तार कर दिया गया है, जिसमें अब आम लोग जरूरत के समय को ध्यान में रखते हुए पहले से ही एम्बुलेंस वाहन मुफ्त में बुक कर सकते हैं। अब 108 एम्बुलेंस एक कॉल पर नहीं बल्कि एक मैसेज पर ही मरीज के घर पहुंच जाएगी। भोपाल सहित प्रदेश भर में जय अम्बे कंपनी द्वारा संचालित 108 एम्बुलेंस वाहन सेवा को और बेहतर बनाने के लिए 108 सिटीजन ऐप लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश 108 जय अम्बे सेवा के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि आम लोगों को इस सुविधाजनक ऐप के विषय में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि आम लोगों के लिए ऐप गूगल प्ले स्टोर पर लिंक पर उपलब्ध है। अभी 108 नंबर पर कॉल करके इमरजेंसी सेवा का लाभ लेना पड़ता है, जिसमें उनसे कॉल के दौरान कॉल सेंटर अधिकारी के द्वारा जरूरी जानकारी ली जाती है, लेकिन इस एप्लीकेशन पर यह जानकारी पहले से ही उपलब्ध रहेगी, जिससे रिस्पांस टाइम कम करने में मदद मिलेगी और एम्बुलेंस जल्दी पहुंच सकेगी। सर, ये 108 का ऐप डाउनलोड हुआ है, चल रहा है, तो उसमें क्या करना है आपको? ये बहुत अच्छा है, इससे लाइव लोकेशन का पता चल जाता है, कौन से अस्पताल में पेशेंट को जाना है। ये ऐप बहुत अच्छा है, इससे हम लोगों को 108 से सुविधा मिलती है। ये ऐप बहुत अच्छा है, इससे मरीजों को बहुत सुविधा मिलती है, इससे पता चल जाता है कि कौन सी अस्पताल कितने नजदीक है, सरकारी अस्पताल कितने नजदीक है। मरीजों के काफी फायदे की चीज है, इससे उनके रेफर होने में सुगमता जारी हो जाएगी और आसानी रहेगी उनको कहीं भी जाने में, और सारे काम और शीघ्रता से। मैं 108 एम्बुलेंस से मनोज कुमार राय खुरई, आप सभी को एक बताने में हर्ष हो रहा है, जैसे कि 108 एम्बुलेंस ने एक नया ऐप लॉन्चिंग किया है। जैसे पहले आप 108 पर फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाते थे, आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर MP 108 संजीवनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप ओला कैफे की तरह 108 एम्बुलेंस को बुक भी कर सकते हैं, और आपको नज़दीकी हॉस्पिटल क्या होगी और कहाँ ले जाना है, क्या बीमारी है, ये सभी उस फाइल में आपको विवरण भरना है और फाइल कर देना है, और आपको एम्बुलेंस आपकी सुविधा में होगी। और इसके साथ ही आपको एम्बुलेंस 18 मिनट में अधिकतर कोशिश करने पर आप तक प्राप्त होगी। दूसरी बात यह होगी कि एम्बुलेंस कितनी दूरी पर है, कब तक आपके पास पहुंचेगी, ये लाइव लोकेशन आप देख सकते हैं। जैसे कि ऐप डाउनलोड हो गया है तो मैं एक मिनट में बता रहा हूँ आपको, अस्पताल ऐप है, ये ऐप रहेगा, इस प्रकार का ऐप है, ये ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करना है, और इसमें आसपास आप कहीं पर भी हो आप अपनी। कुरई से खबर समय जगत के लिए धर्मेंद्र असाटी की रिपोर्ट।